नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। सिवनी जिला अंतर्गत पुलिस थाना धुमा में एक गरीब निर्धन परिवार को राजस्व मामले और पुलिस द्वारा किसी पूंजीपति प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर यहां तक उससे मोटी रकम लेकर निर्धन परिवार के साथ अत्याचार घोर रूप से किया गया, जो समूचे जिले में जन चर्चा का विषय बना हुआ है। सूक्ष्मदर्शियों की माने तो किए गए निर्धन गरीब परिवार के साथ जोर जबरदस्ती और उसके मकान की तोड़ाफोड़ी और बेटी स्वरूप युवती के साथ की गई जबरदस्ती मारपीट और घसीट कर पुलिस वाहन में बैठाना कहां तक उचित है। घटना पुलिस थाना धुमा की है। धुमा पुलिस थाना प्रभारी पूर्व से ही जिले में चर्चित हैं। उनके कारनामे आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छुपे नहीं है। चाहे कोरोना जैसी महामारी बीमारी के दौरान चिकित्सकों से अभद्रता और महिला नर्सों से गाली गलौज कर ऑक्सीजन सिलेंडर छुड़ा लेना हो, या फिर किसी हरिजन आदिवासी को प्रताड़ित कर उसे मारपीट करना हो, या अवैध वसूली के साथ साथ धुमा में चल रहे अवैध शराब जुआ सट्टे जैसे अपराधों को बढ़ावा देना हो। इस बात से धुमा क्षेत्रवासी ही नहीं अपितु जिलावासी वाकई में उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होना ये तो आश्चर्य का विषय है ही, किंतु सक्रिय रूप से और चुरित रूप से अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन कर रहे जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक की छवि को धूमिल करने में सब कुछ इस टाइप के थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर हरिदास फटेक, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी बीमारी के दौरान व्यापक रूप से अपनी कार्यप्रणाली को अंजाम दिया, चाहे वो खरीदी केंद्रों में किसानों की समस्या हो या उपार्जन केंद्रों की बात हो, अतिवृष्टि ओलावृष्टि आंधी तूफान जैसे जिले में हुई हानि हो, तत्काल मौके पर पहुंचकर मुआयना कर व्यक्तियों की समस्याओं को दूर किया एवं प्रदेश प्रशासन तक जिला हित में निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे घर के बाजू में बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, उसमें अचानक से बहुत सारे पुलिस लोग आ गए, आरआई पटवारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस से एक और आदमी आया था। ये सब लोग आए थे, हमने इनसे पूछा और धुमा का टीआई भी था राहुल बघेल, उनसे पूछा हमने, सर आप पहले आदेश बताइए, बिना आदेश के आप नहीं तोड़ सकते सर। तो सारे पुलिस वाले पापा के ऊपर भी एकदम से सारे अलग करने लगे, धक्का देने लगी और मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं गिर गई, पत्थर में लग गया मुझे और बहुत ज़ोर से, और फिर उसके बाद में घसीट कर पुलिस कांस्टेबल ने वहाँ से उठा कर घसीट कर और फिर गाड़ी में बैठा के और हॉस्पिटल तक लाई थी। पुलिस बोलो, जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर आए हुए थे सब थे। महिला कांस्टेबल ने, जब मैं कुछ बोलने के लिए आ गई हुई, तो वो लोग सब मिलकर ऐसे पकड़ लिए मुझे, बोलने नहीं दे रहे थे और उनका धक्का लगा तो मैं नीचे गिर गई। फिर उसका जैसे ही मुझे लगा खूब ब्लड बहने लगा, तो फिर वो लोग मुझे खींच के और फिर गाड़ी तक ले गए थे, लगने के बाद भी खींचते रहे थे। सर हमारा मैटर 2015 से चल रहा था, नायब तहसीलदार के यहाँ पे चला सर, वहाँ से आदेश इनका खारिज हो चुका था, श्याम चौकसी थे हमारे, इस श्रेणी को लेके विवाद था सर, वहाँ से आदेश उनका निरस्त हो चुका था। फिर एसडीएम सर के यहाँ अपील हुई थी, वहाँ से भी आदेश निरस्त हो चुका था। फाइनली सर सिविल कोर्ट में 2020 में सर आदेश वहाँ से भी निरस्त होकर खारिज हो चुका था। और सर इन लोगों द्वारा सर सब कुछ होने के बाद दोबारा नायब तहसीलदार से झूठ बोलकर आदेश लेकर आया गया और अभी वापस से सर हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, अभी कल इस पे आदेश आया सर और हमने तुरंत काम रोक दिया सर। नहीं सर हमारे हाथ में नहीं मिला है। राहुल सर रात में सर राहुल बघेल आया हुए थे हमारे पास में नोटिस लेकर, तो सर मैंने कहा हमारे पापा जी घर पे नहीं है तो आप सुबह आइए, हम सुबह ले लेंगे, महिलाएं घर पर अकेले हैं। तो सर इन्होंने कोई वो कुछ नहीं किया सर, ना सुबह आके हमको कोई आदेश दिया, ना स्टे ऑर्डर दिया सर, और अचानक सर आरआई, टीआई धुमा, नायब तहसीलदार, इन सबकी उपस्थिति में सर हमारे घर में तोड़फोड़ की गई, ये पूरी बाउंड्री वॉल तोड़ी गई सर। जब मेरी बहन ने वहाँ पे हस्तक्षेप की, मेरे पापा ने हस्तक्षेप किए, तो मेरे पापा को सर, मेरे पापा की गोद में मेरा 2 साल का बेटा था, उसके बाद भी सर इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया और मेरे पापा को झूमा झपटी करते हुए इनको अलग किया। और मेरी सर ये छोटी बहन है सर, इसको सर इतनी बुरी तरह मारा है सर कि ये बेहोश पड़ गई है सर, इसके सर पे मारा है सर और ये बेहोश है सर, देखिए आप इसकी स्थिति क्या बनी हुई है। जी सर मैंने अभी फोन की है, 108 आने वाली, वो बोल रहे हैं इसकी स्थिति देखिए सर, पूरा खून से, ये देखिए सर पूरा ये दुपट्टा पूरा खून से लग पाता सर, देखिए ये पुलिस प्रशासन इन लोगों ने जबरदस्ती मारपीट की है सर इसके साथ में।